हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि 2020 में भी अपने पुराने फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं और उनके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। आपको जस्ट गाइस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक मेजर स्टेप लेना और मैं आपको 5 टिप्स और बताऊँगा जिससे आपका फ़ोन और ऑप्टिमाइज होगा और आप उसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और फास्टली यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पहले आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना, और जब आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लिया, उसके बाद आपने सबसे नीचे जाना है और वहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपने 7 टाइम क्लिक करना है। और उसके बाद आपने जो भी आपका फ़ोन का पासवर्ड होगा वो भर देना आपने। और इसके बाद आपने बैक जाना, और उसके बाद आपने सिस्टम सेटिंग में जाना है। वहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस का अवेलेबल ऑप्शन हो जाएगा, और वहाँ पे जाके आपने सबसे नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल, एनिमेटर्स ड्यूरिंग स्केल, इसको आपने सबसे कम कर देना या आपने इसको ऑफ कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपकी एनिमेशन होगी वो सभी एनिमेशन आपकी स्टॉप हो जाएंगी, और जस्ट आप जो भी अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो बिल्कुल साथ में ही ओपन होगी और आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी एनिमेशन दिखने के लिए नहीं मिलेगी, तो इससे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्विकली ओपन हो रहा है, मैं जो भी खोल रहा हूँ ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर जस्ट 1 क्लिक करना और ओपन हो जाता है। तो गाइज़, मैंने आपको एक मेजर स्टेप तो बता ही दिया जिससे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फास्ट यूज़ होगा। तो गाइज़, उसके साथ ही साथ मैं अब आपको 5 और टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करनी है, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन की स्पीड इम्प्रूव होगी। जो कि गाइज़, फर्स्ट चीज़ आती है कि आपको अपने जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, उनको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। इससे गाइज आपकी रैम ऑप्टिमाइज नहीं होगी और आपकी स्टोरेज फ्री होगी फ़ोन की। और गाइज, जो सेकंड टिप है वो है कि आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके आपने चेक करना है कि आपके फ़ोन का कोई भी अपडेट अवेलेबल है या नहीं। अगर आपका कोई भी अपडेट अवेलेबल है तो गाइज आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। अगर आपका फ़ोन अप टू डेट रहेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका फ़ोन फास्ट यूज़ होगा। जो गाइस थर्ड टिप है वो है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी हैवी एप्स इंस्टॉल है, जैसे कि फेसबुक भी काफ़ी आजकल बड़ी हो चुकी है, व्हाट्सएप भी काफ़ी ज़्यादा एमबी घेरती है, पर गाइस ऐसे कई ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिनके लाइट वर्जन अवेलेबल है प्ले स्टोर में, तो गाइस आप उनके फुल वर्जन को डिलीट अनइंस्टॉल करके आप उनके लाइट वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका फ़ोन फास्ट होगा और आपकी रैम भी कम कंज्यूम होगी। और जो गाइस फोर्थ टिप है वो है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी बड़े बड़े होम स्क्रीन में विजेट्स लगे हुए हैं तो उनको आप डिलीट कर दें, उससे भी आपके फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जो गाइस फिफ्थ एंड लास्ट टिप है वो है कि आपको डिफरेंट लॉन्चर्स को ट्राई करना चाहिए अपने फ़ोन में। जो भी आपके फ़ोन पे सेट होगा उसको आपको यूज़ करना चाहिए, इसके आपके फ़ोन आपका काफ़ी फास्ट होगा। इसकी वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।